सो है गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मे के ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको शायद ही पता होंगे गाइस, एंड अगर पता भी है तो इनमें से कुछ फैक्ट्स होंगे मैं गारंटी दे रहा हूं आपको नहीं पता होंगे। एंड गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस अब वीडियो को ना बिना कोई देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो है गाइस, वीडियो हो चुकी है शुरू एंड बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। क्या आपको पता है मे का नाम हारुका, एंड हारुका को इंग्लिश में बोलते हैं फार अवे एंड हिंदी में बोलते हैं बहुत दूर। फैक्ट नंबर 2, मे ऐसी पहली पोकेगर्ल है जिसने अपने चौथे पोकेमोन यानी कि चौथे पोकेमोन पे उसने बल्बासोर को पकड़ा था, जो कि ऐश ने भी चौथे नंबर पे ही पकड़ा था। एंड फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है गाइस इंग्लिश में ऐश एंड मे की आवाज एक ही वॉइस एक्ट्रेस देती है, जो कि है वेरोनिका सेलिन। फैक्ट नंबर 4 गाइस, आपको पता है कि मे पहली ऐसी पोकेगर्ल है जो कि 3 रीजन घूम चुकी है। होलैंड रीजन जो कि ऐश के साथ ट्रैवल करके, कैंटो रीजन जो कि ऐश के साथ बैटल में जाके, एंड जूथो रीजन जो ऐश के साथ बैटल खत्म होने पे। एंड गाइस बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की, मैं ऐसी पहली पोकेगर्ल जो कि अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है बिल्कुल हमारे ऐश की तरह। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है गाइस मैं ऐसी पहली पोकेगर्ल जो अपनी सिबलिंग यानी मैट के साथ ट्रैवल कर चुकी है। फैक्ट नंबर 7, मैं ऐसी पहली पोकेगर्ल है जिसकी मम्मी एंड पापा दोनों एक ही साथ दिखाए गए हैं, जो कि ज़्यादातर पोकेगर्ल्स के मोम एंड डैड अलग अलग दिखाए जाते हैं। किसी के मोम दिखा देते हो, किसी के डैड नहीं दिखाते हैं, किसी का डैड दिखाते हैं तो मोम नहीं दिखाते, लेकिन मैं ऐसी पहली पोकेगर्ल है जिसके दोनों मोम एंड डैड एक साथ दिखाए गए हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है गाइस में मे का नाम मे रखा है, एंड गाइस यही मांगा में रखा हुआ है, एक नीली ड्रेस पहनते हैं बिल्कुल मे की तरह, उसका नाम होता है सफाया। एंड गाइस बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की, क्या आपको पता है मे सबसे ज़्यादा किस पोकेमोन से नफरत करती है। अब आप बोलोगे यार ये तो बग टाइप से नफरत करती है, लेकिन मैंने टाइप नहीं बोला, किस पोकेमोन से नफरत करती है। तो गाइस मे सबसे ज़्यादा नफरत करती है टेंटाक्रूल से। एंड गाइस बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 10 की, जो कि हमारा आज का लास्ट फैक्ट है। तो गाइस फैक्ट नंबर 10 ये है कि मे का असली नाम क्या होने वाला था पहले। गाइस आप सोचो एंड कमेंट में बताओ कि क्या होने वाला था। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाम क्या होने वाला था, नाम होने वाला था एना। एंड गाइस एना को चेंज करके बाद में पोकेमोन एनिमे में मे रख दिया गया। तो गाइस ये रहे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार फैक्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। गाइस आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पता था यार गाइस कमेंट में बताना। एंड गाइस अगर आपको और भी कोई फैक्ट पता ना तो मुझे कमेंट में बताना, मे भी अगर हम इसका ज़्यादातर हमारे को फैक्ट मिलेगा 10-15 तो हम इसकी सेकंड पार्ट भी निकालेंगे। एंड गाइस यार आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी ना कि ऐश को तो सबसे ज़्यादा खून प्यार करता है, मतलब कि समझ जाओ, फोटो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो गाइस ये वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यारा सा लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी ऐसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।